नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पत्रकार के साथ कोतवाली टीआई ने की अभद्रता, पत्रकारों ने एसपी को दिया ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोतवाली थाने के थाना प्रभारी द्वारा एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप पत्रकारों द्वारा लगाए गए हैं, जिसकी शिकायत आज पत्रकारों ने एसपी को ज्ञापन के माध्यम से की है। पत्रकार धर्मेंद्र जाटव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कोतवाली थाना टीआई को फतेहपुर क्षेत्र में स्मैक बिकने की सूचना दी थी, जिस पर कोतवाली टीआई ने कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से करने की बात कही, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा उन्हें थाने पर बुलाकर अभद्र व्यवहार कर दिया, जिसकी शिकायत आज पत्रकारों ने एएसपी से करते हुए मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मैं आपका धर्मेंद्र जाटव। धर्मेंद्र जी, किस कौन सा चैनल देखते हैं? मैं समाचार निशन जिला ब्यूरो चीफ। अच्छा, एएसपी साहब को आपने एक ज्ञापन दिया है, क्या कुछ ज्ञापन दिया है? ज्ञापन जो सिटी कोतवाली टीआई जो रोहित दुबे जी है, उनका व्यवहार ठीक ना होने के कारण मैंने एक आवेदन दिया है एएसपी साहब को। उन्होंने मुझे बुलवाया था और पर्सनली एक रूम में दो पार्षदों के सामने मुझसे बदतमीज से पेश आए, मुझसे गाली गलौज भी की। इस कारण मैंने एसपी साहब को अवगत। किस मामले को लेकर आपकी गाली गलौज की गई है? मैंने एक पोस्ट और खबर डाली थी उसके विषय में। मैंने उनसे कहा था, सर इस स्नैक के बारे में आप कार्रवाई करिए, फतेहपुर में लगातार स्नैक बिक रही है, लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। मैंने कई बार फोन से उनको सूचना दी, इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी सुनी नहीं। इसके बाद करीब एक महीना गुजर जाने के बाद कल मैंने उनको मैसेज के माध्यम से बताया। इसी मैसेज के चक्कर में उन्होंने मुझे बुलवाया था वहाँ पर, और बुलवाते समय उन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार किया और पत्रकारों के साथ में भी अभद्र व्यवहार किया। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं आज एसपी साहब के पास आवेदन देने आया हूं, और जांच का निवेदन एसपी साहब ने हमें दिया है और समस्त पत्रकार साथी मेरे साथ मौजूद है। अगर की जांच का बोला, जांच बोला है, मैं जांच इसको दिखवाता हूं, और कहीं कोई यदि कोतवाली की आई यदि इसमें है तो कहीं ना कहीं मैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।